जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं होती, बैचलर्स की भी नहीं, मास्टर्स की भी नहीं। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, मैं ये बातें बता के दोबारा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बल्कि बैचलर और मास्टर में जो स्टडी है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है, ये भी आपको पता है, नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशंस में। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और मेरा अंदाज़ा है कि वो आपको डेफिनेटली नहीं पता होंगे। ये बात मैं श्योरिटी से इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक जितने स्टूडेंट से मैंने बात की है 90% स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं पता होती हैं। बड़ी मुख्तसर वीडियो, जल्दी जल्दी आपको 5 पॉइंट्स बताऊँगा, अगर आप जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जर्मनी में जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको हर महीने 300 यूरो तक मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसे आपने कंफ्यूज नहीं करना जो जर्मनी में डायर्ड स्कॉलरशिप होती है या रास्मस मुंदस जो प्रोग्राम होता है उससे कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि 2022 में कोरोना के टाइम पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पैसे देती थी तकरीबन 300 यूरो तक, तब भी मिलते थे, ये वो भी पैसे नहीं हैं। और 2023 में जर्मन गवर्नमेंट ने हर स्टूडेंट को तकरीबन 300 यूरो तक पैसे दिए थे इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, के जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी, हीटिंग कॉस्ट ज़्यादा थी, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने हेल्प की थी। ये जो मैं 300 यूरो बता रहा हूँ ये उनसे अलहदा हैं, और ये हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलते हैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ासतौर पर स्टुटगार्ट में तो मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। इसका नाम है जर्मन स्कॉलरशिप के नाम से ना। हर यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है, आपने वहाँ पर रबता करना है या अपने डिपार्टमेंट से रबता करना है और उन्हें बताना है कि कोई रास्मस मुंदस स्कॉलरशिप, कोई डायर स्कॉलरशिप कोई आपके पास नहीं है, और आपके पास और भी कोई असिस्टेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जिस तरह जो जर्मन सिटीजन्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनके पास पैसे कम हो तो वो एक और प्रोग्राम होता है उसको बाफक बोलते हैं, उसके ज़रिए भी वो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं स्टडी करने के लिए, ताकि उन्हें ना फाइनेंशियली ज़रा कोई परेशानी ना हो, पैसे मिलते रहे उनको। तो चूँकि ये सारे प्रोग्राम आपके लिए नहीं है तो आपको कोई असिस्टेंस अभी तक नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपने यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है वहाँ जाके बात करनी है, उन्हें बताना जी कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो आप अप्लाई करना चाहते हो जर्मन स्कॉलरशिप के लिए। वो आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे, उसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे और आपकी और एक दो क्राइटेरिया होते हैं बड़े सिंपल से, वो आप फिल कर लोगे, क्योंकि ये पैसे 300 यूरो जो हैं ये जर्मन सिटीजन को भी मिल सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी मिलते हैं और एक साल के लिए मिलते होते हैं, तो वाई नॉट अगर आपको 300 यूरो हर महीने मिलें, मुफ्त के पैसे मिले और ये पैसे आपने गवर्नमेंट को वापस भी नहीं करने, तो क्यों नहीं, ये सबसे अच्छी बात है और मेरा ख्याल है आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ का जिक्र नहीं करते, आपस में शेयर नहीं करते, जो कि बुरी बात है। मेरा ख्याल है कि करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का फ़ायदा होता है तो क्यों ना हो। एक साल के लिए ये मिलते हैं और ख़ासतौर पर पहले सेमेस्टर से मिलना स्टार्ट होते हैं, तो जो भी बच्चे नए आ रहे हैं स्टूडेंट खासतौर पर वो अप्लाई लाजमी करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जर्मनी गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया है कि पहले स्टूडेंट लाइफ में आपको 120 दिन काम करने की इजाज़त होती थी, अब आपको एक साल के अंदर 140 दिन काम करने की इजाज़त होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप काम ज़्यादा कर सकते हो, और दूसरी तरफ से जो मिनिमम वेज है वो 12 यूरो पर आवर है। इसका मतलब ये है अगर आप 140 दिन अपने यूटिलाइज़ करते हो एक साल में और 12 यूरो पर आवर कमाते हो, तो ये तकरीबन 13,500 यूरो बनेंगे एक साल के अंदर। तो 13,500 यूरो बीइंग स्टूडेंट कमाना माशाल्लाह ठीक ठाक पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं। इससे आपकी जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है वो भी पूरी होती है, अगले साल की भी पूरी होती है, बल्कि आपके कुछ पैसे बच भी जाते हैं। लग्जूरियस लाइफ अगर आप स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा नहीं इंजॉय कर रहे तो आपके पास पैसे काफ़ी ठीक ठाक होंगे। इसमें एक प्लस पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, ये तो स्टूडेंट जॉब के लिए वर्किंग आवर्स हैं जो अलाउ हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एक हीवी प्रोग्राम होता है, हीवी प्रोग्राम को कुछ लोग स्टूडेंट जॉब से भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट जॉब यूनिवर्सिटी में करोगे और उसका टाइटल हीवी होगा तो उस हीवी जॉब के वर्किंग आवर्स 140 दिनों में ऐड नहीं होंगे। आपने करना ये है, यूनिवर्सिटी आपकी जो भी है, हर यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट हीवी जॉब्स होती हैं। आप बेशक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर साइंसेस के हो, या आप लोग मैनेजमेंट साइंसेस के हो, अपने डिपार्टमेंट में देखो कोई हीवी जॉब नज़र आती है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे उसकी पब्लिकेशन की होती है उन लोगों ने ना, तो वहाँ पे हीवी जॉब्स लाजमी अप्लाई करना। वो आपको 10 घंटे की मिल जाए, 5 घंटे की मिल जाए, 15 घंटे की मिल जाए, जो पर वीक है वो आप लो, और उससे भी जो पैसे मिलेंगे वो सारे आपके अपने हैं, और उसके अलावा जो 140 दिन है वो आपके पास एक्स्ट्रा हैं कि एक साल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो वर्किंग के लिए ना। और हीवी जॉब्स बहुत ज़्यादा आसान होती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। उन लोगों ने सिंपल आपसे छोटे छोटे प्रोग्राम बनवाते होते हैं कंप्यूटर के, बल्कि बाजू का तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया था कि उन लोगों ने पावर पॉइंट पे कुछ स्लाइड्स बनवानी है, कोई उनका टॉपिक है, उन्होंने आपको कुछ मटेरियल दे दिया है कि इसमें से जो की पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करें और उस हमारे लिए 15 या 20 डिफरेंट स्लाइड्स बना दें। तो इस तरह की हीवी जॉब्स भी होती हैं स्टूडेंट के लिए। हीवी जॉब बहुत ज़्यादा आसान पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी मनी है, वो आप लाजमी करें, अपने डिपार्टमेंट में आपको मिल जाए,
या अपने डिपार्टमेंट में नहीं मिल रही तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी मिल जाए तो वो भी आप अलाउ होता है नॉर्मली करना। और हीवी जॉब की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है टैक्स फी, वो 520 यूरो है। इसका मतलब है अगर आपको यूनिवर्सिटी से भी हीवी जॉब मिल जाती है और आइडियली 520 यूरो पर मंथ की मिलती है, तो एक साल में ये तकरीबन 6,000-6,500 यूरो यहाँ से बनेंगे। 6,500 यूरो ये, और स्टूडेंट जॉब पर आपने तकरीबन 13,500 यूरो कमाए हैं, तो ये मिल मिला के 19,000-20,000 यूरो बन जाएंगे, जो कि माशाल्लाह ठीक ठाक पैसे हैं। ऑफ कोर्स आप इस पर थोड़ा सा टैक्स भी दोगे, लेकिन अगर टैक्स देने के बावजूद आपकी पॉकेट में 15,000 यूरो के इर्द गिर्द आपकी जेब में आ रहे हैं एक साल के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और ये अभी आप स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हो, स्टूडेंट जॉब्स की बात कर रहे हो, बल्कि स्टूडेंट लाइफ में जो मैंने वेज काउंट की है वो 12 यूरो पर आवर बताइए आपको। अगर आप लकी हो किसी कंपनी में आपकी जॉब हो जाती है, फॉर एग्जांपल डाइमलर में, मर्सिडीज़ में हो जाती है, बीएमडब्ल्यू में हो जाती है, या और भी किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपकी जॉब हो जाती है जहाँ पर आपको रेट अच्छा मिल रहा है, वो आपको 15 यूरो पर आवर दें या 18 यूरो पर आवर दे दें या 20 यूरो पर आवर दे दें, तो आप खुद इमेजिन करो कैलकुलेशंस करके कि कितने पैसे बनते हैं। और इसी वजह से मैं बार बार लोगों को इनकरेज करता हूँ कि जर्मनी आके स्टूडेंट लाइफ इंजॉय करें, पढ़ें भी, अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ लीगली काम करें और पैसे कमाएं। ब्लैक में काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जर्मनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट भी अगेन पैसों से रिलेटेड है और आपके फ़ायदे से रिलेटेड है, लेकिन तीसरा पॉइंट बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मैंने अभी तक नोट किया है मेरी वीडियोज़ के 80% वीडियोज़ के जो व्यूज़ आ रहे हैं वो अभी तक नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर तो यार आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ इस पर आप जो वो सारे कहते होते हैं जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तो वो करें। कमेंट्स में वो हर वो चीज़ लिखें जो आपके जहन में आती है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, जो भी आपके जहन में आता है वो लिखें, लेकिन ये प्लीज़ करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इससे फिर जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो बेनिफिशियल होता है, वो इन वर्किंग आता है ताकि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फोरकास्ट किया जा सके लोगों के सामने। तो ये लाजमी करें। नॉर्मली मैंने अभी तक ये पहले कभी नहीं कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये ज़रूरी है। मेरे लिए इसमें सिर्फ यही विन है कि भी मैं लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि उनको फ़ायदा हो, उनका भला हो, और उसके रिवॉर्ड में सिर्फ मेरा यह है कि अगर मुझे व्यूज़ मिलते हैं तो एट दी एंड एट एनी स्टेज पॉसिबली है कि मैं इसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूँगा और अच्छा वीडियोज़ बना सकूँगा। तो एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से था कि आप अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, पॉइंट है अगेन पैसों से रिलेटेड और इसमें इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप। बहुत सारे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं बैचलर्स में या खास तौर पर मास्टर्स में जिसमें इंटर्नशिप आपकी क्वालिफिकेशन जो डिग्री है उसका मैंडेटरी पार्ट होते हैं, यानी कि वो आपने करना लाजमी है। सक्सेसफुल इंटर्नशिप आप करोगे और उसकी जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाओगे यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपकी डिग्री मुकम्मल होती है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आपकी डिग्री की मैंडेटरी कंडीशन है कि आपने इंटर्नशिप करनी है और वो इंडस्ट्री में डेफिनेटली करनी है आपने, तो जितने की भी इंटर्नशिप आपको मिलेगी वो सारे के सारे पैसे आपके हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, उस पर आपने कोई टैक्स नहीं देना। आपको पता है कि जर्मनी में जो 520 यूरो हैं वो पहले 520 यूरो टैक्स फ्री होते हैं, उसके ऊपर अगर फ़र्ज़ करें आपकी कोई जॉब हो गई या 1,000 यूरो अगर आप कमा रहे हो महीने में, तो 520 यूरो के बाद कितने 480 यूरो बनते हैं। 480 यूरो पे भी जितना आपका इक्विवेलेंट टैक्स बनेगा वो आपने पे करना है। बाय द वे टैक्स पे कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक यहाँ लेफ्ट राइट में आ रहा होगा, वो आप देखिएगा बाद में। तो बताने का मकसद ये है कि 1,000 यूरो पे आपने टैक्स देना है, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपकी इंटर्नशिप है वो मैंडेटरी पार्ट है आपकी क्वालिफिकेशन का, तो उसके में अगर केस में अगर आपको 1,000 यूरो की इंटर्नशिप हो जाती है या बेशक 2,000 यूरो की इंटर्नशिप हो जाए, तो उस 2,000 यूरो पे आपने कोई टैक्स नहीं देना। वो अगर आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप हो गई है, हर महीने आपको 1,000 या 2,000 यूरो फ़र्ज़ करें, वैसे 2,000 नॉर्मली इंटर्नशिप पे नहीं मिलते, ये मैंने लोगों से एक्सपीरियंस किया हुआ है कि 1,500 यूरो की इंटर्नशिप हो जाती है। तो इमेजिन करो 6 महीने की इंटर्नशिप है और 1,500 यूरो आपको मिल रहे हैं, तो ये 9,000 यूरो बनते हैं और 9,000 यूरो टैक्स फ्री पैसे आपके पास आ गए हैं क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन का पार्ट थे। तो इस बात को ज़हन में रखना है और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले लेना है कि ये जो इंटर्नशिप है ये आपकी क्वालिफिकेशन का पार्ट है, और वो लेटर अपने एम्प्लॉयर को देना है जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, और उसे बता देना है कि चूंकि मेरे ये कंपलसरी पार्ट है तो प्लीज़ आप इसमें अब अपने जो भी उनका टैक्स डिपार्टमेंट होगा उनको बता दें कि इस पर टैक्स वगैरह काट देना। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसे ज़हन में आपने रखना है कि उस पर आपने टैक्स नहीं देना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपके वीज़ा से रिलेटेड। आपकी स्टडीज़ मुकम्मल हो गई हैं, चाहे आपने बैचलर किया है या मास्टर किया है, उसके बाद जॉब सर्च वीज़ा मिलता है आपको नॉर्मली 18 महीने का, लेकिन गवर्नमेंट वो लॉ भी चेंज कर रही है और अब आपको तकरीबन 24 महीने का वीज़ा मिला करेगा। वैसे नॉर्मली 18 महीने का वीज़ा भी वैसे तो काफ़ी है, क्योंकि जितना पोटेंशियल अभी जर्मनी में है जॉब्स मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसे इंग्लैंड के साथ या बाकी यूरोप के हालात के साथ, तो जर्मनी रिलेटिवली बेहतर है। लेकिन अगर खुदा ना खासा किसी बंदे को किसी वजह से 18 महीने के अंदर जॉब नहीं मिली, तो उसके पास तकरीबन 2 साल का टाइम होगा कि वो जॉब तलाश कर सके। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आ रही है कि नॉर्मली पहले होता था आपने जो स्टडी किया है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं या कंप्यूटर साइंसेज के हैं, तो आपने उसी प्रोफेशन में जॉब करनी है।
लेकिन नए रूल के मुताबिक ये होगा कि आप किसी भी प्रोफेशन से हैं तो किसी दूसरे प्रोफेशन में भी आप जॉब कर सकते हैं। फर्ज करें आपने कंप्यूटर साइंस में स्टडी की थी, मास्टर किया था, लेकिन किसी वजह से आपको जॉब नहीं मिली, आपको जॉब मिली मैनेजमेंट साइंसेज की, तो आपको अलाउ होगा कि आप उस प्रोफेशन में भी जॉब ले सकते हैं और ब्लू कार्ड ले सकते हैं, अपने वीजा को एक्सटेंड करवा सकते हैं या बाद में पीआर भी ले सकते हैं। हाँ, जो रेगुलेटेड प्रोफेशन हैं उनमें आप जॉब नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंजीनियरिंग स्टडी की है, आपको जॉब नहीं मिली और आप चाहते हो कि मैं एज ए नर्स काम कर लूँ, एज ए डॉक्टर काम कर लूँ, तो जारी बात है वो पॉसिबल नहीं है। रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड जो प्रोफेशन है उनमें फ़र्क होगा, जारी बात है। तो ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी इंप्लीमेंट होगा और आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी कि आप कोई भी काम कर सकते हो और अपने लिविंग एक्सपेंसिस को यहाँ पर पूरा कर सकते हो जर्मनी में। आखिरी में आपसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ जो कि मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अबव 80% यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक एजुकेशन फ्री है, लेकिन फिर भी कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उन लोगों ने ट्यूशन फीस इंप्लीमेंट कर दी है। फॉर एग्जांपल बाडन वर्टनबर्ग की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट, वहाँ से मैं स्टडी किया था मैंने भी, तो वहाँ पे हमारे दौर में यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री होती थी, कोई ट्यूशन फीस नहीं थी, सिर्फ 200 यूरो, 160 या 170 यूरो मेरे ख्याल होते थे पर सेमेस्टर फीस होती थी। लेकिन अब उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस कर दी है 1500 यूरो। वैसे तो 1500 यूरो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो यूनिवर्सिटी फीस उन्होंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी है। इसी तरीके से जो जर्मनी की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी अभी तक TUM उसको बोलते हैं, टूम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, उसने भी यूनिवर्सिटी फीस इंप्लीमेंट कर दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और ये ट्रेंड ऐसा ऐसा बनता जा रहा है क्योंकि जितने नंबर ऑफ लोग यहाँ पर आ गए हैं बाकी सारे यूरोप में, तो ट्यूशन फीस ऑलरेडी पहले से थी। जर्मनी सिर्फ वाहिद कंट्री था जहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं होती थी, एजुकेशन फ्री थी। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये ऐसा ऐसा 2 से 4 साल में 5 साल तक ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको फीस पे करना पड़ेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमिकल क्राइसिस एक तो वर्ल्ड वाइड ऐसा ऐसा आ रहा है और दूसरा यूरोप में खास तौर पे है, उसके डिफरेंट रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं या पॉलिसी रीजंस हैं डिफरेंट, लेकिन मेरा ख्याल है कि 4 से 5 साल में सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस पे करना पड़ेगी। जैसे नॉर्वे इंप्लीमेंट कर दिया, जैसे स्वीडन ने इंप्लीमेंट कर दिया, फिनलैंड ने कर दिया, हालांकि वहाँ पर भी पहले यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन फ्री थी। तो मेरा ख्याल है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, पाकिस्तानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकें अपनी एजुकेशन को, वो यहाँ जर्मनी में आए, यहाँ से अपनी स्टडीज़ भी अच्छी करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करें और उसके बाद जहाँ पे जो पोटेंशियल है प्रोफेशनल लाइफ का उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई करें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और जितना जल्दी हो सके आएँ। वैसे इस पे एक और मज़ीद डिटेल है, ये मेरा ओपिनियन ऐसा क्यों है, हालांकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए भी मेरी और ओपिनियंस भी हैं, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। आज के वीडियो का प्योरली मकसद ये था कि आपसे मैं शेयर करूं कि जर्मनी में बीइंग स्टूडेंट फ़ायदे क्या हैं और कौन से 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता, खासतौर पर वो जो पहले 2-3 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। तो जितना ज़्यादा फ़ायदा आप लोग फाइनेंशियली अपने आप को पहुँचा सको अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो आपके लिए बेहतर है। मेरी तरफ से सभी को गुड लक, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, ब्लैक में काम नहीं करना, इलीगल काम नहीं करना, ये मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना प्रोफाइल आपने हमेशा क्लियर रखना है और गुड लक सभी को। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी या किसी टूर पर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।